वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में अपन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इसकी बात कर रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड की, है ना। अपन देख रहे थे कि इसके कैसे एसिडिक कैरेक्टर जो है वो किस किस ग्रुप पे अफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास था कि मैंने आपको कहा कि कोई भी एसिड से सी डबल बॉन्ड ओ एच है आपके पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या फिर COOH से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बॉन्डेड है, विड्रॉइंग वाला बॉन्डेड है या डोनेटिंग वाला बॉन्डेड है, उससे डिपेंड करता है कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी या फिर आपके पास डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मीनिंग क्या हो गया कि सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मीनिंग है कि वो क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी आपके पास, डिक्रीज। तो H प्लस आयन डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और एसिडिक कैरेक्टर आपके पास क्या होंगे, एसिडिक कैरेक्टर आपके पास इंक्रीज होंगे। ओके, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग वाला है मींस ये इस कार्बन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन ये क्या होगी आपके पास, डिक्रीज। तो टेंडेंसी अगर डिक्रीज होगी तो एसिडिक कैरेक्टर जो है वो आपके पास क्या होंगे, डिक्रीज। तो अगर कोई आपके पास ऐसा सब्सटेंस बॉन्डेड है या ऐसा मॉलिक्यूल बॉन्डेड है जो क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर भी आपके पास क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अपन एक एग्जाम्पल भी करा था। क्या था वो एग्जाम्पल, जैसे आपके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, आप उसका ऑर्डर बताना क्या रहेगा। ये अपने पास आ गया कि एक CH3CH, यहाँ पे अपने पास क्लोरीन और आपके पास आ गया COH, आपके पास CH3CH, यहाँ पे अपने पास क्लोरीन COOH, आपके पास आ गया CH3CH2 और COOH। आपको कहा विच वन इज मोर एसिडिक और गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर द एसिड। तो आपके पास करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, अपने को देखना है कि विच एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हर एक में आप देखोगे तो COOH ग्रुप और COOH ग्रुप सेम है, हर एक में COOH ग्रुप सेम है। डिफरेंट क्या है, ये आपके पास यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है और क्लोरीन के साथ यहाँ पे अपने पास क्या है, हाइड्रोजन। अब आप अरेंज कर लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है। फ्लोरीन इसकी जो ईएन होती है वो आपके पास क्या होती है, मैक्सिमम ईएन, मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये क्या होगी, मैक्सिमम। और जो हाइड्रोजन है इसकी ईएन सबसे कम होती, तो इसकी टेंडेंसी जो है वो क्या होगी, मिनिमम। टेंडेंसी मैक्सिमम इसकी होगी तो ये आपके पास सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर क्लोरीन वाला, और फिर आपके पास कौन सा होगा, लास्ट वाला, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड। ओके, तो टू फ्लोरोप्रोपेनोइक एसिड ये सबसे ज्यादा एसिडिक, और आपके पास प्रोपेनोइक एसिड जो है वो सबसे कम एसिडिक होगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, और एग्जाम्पल्स में क्या आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया अपने पास, COOH, यहां आ गया अपने पास NO2, COOH,
यहां पे आ गया अपने पास OCS3। COH और यहाँ पे कुछ आपको पूछा कि गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग एसिड। इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बतानी है तो बताइए जल्दी से कि क्या होगा, क्या रहेगा। देखो तो अगर इस टाइप के आपके पास कंपाउंड आ जाए और आपको कह दे कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आप एक्सप्लेन करो कि क्या होगा, तो अपन कैसे देखेंगे कि आपके पास जैसे ये NO2 है, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस है। CH3 है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस है, है ना। अपने को क्या पता है कि दैट एसिडिक ऑर्डर जो है या एसिडिक स्ट्रेंथ है किसी भी कंपाउंड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, माइनस एम के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस एम। मीन्स जितना माइनस एम इफेक्ट होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा, जितना प्लस एम होगा उतना कम एसिडिक होगा। तो ये माइनस एम शो कर रहा है, ये प्लस एम शो कर रहा है, ये कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर रहा, तो सबसे ज्यादा आपके पास कौन सा रहेगा, फर्स्ट बिकॉज ऑफ माइनस एम इफेक्ट, उसके बाद कौन सा रहेगा आपके पास, थर्ड बिकॉज ऑफ इसके पास ना तो प्लस एम है ना माइनस एम है, और उसके बाद आपके पास कौन सा आ जाएगा, सेकेंड, फर्स्ट थर्ड सेकेंड, ये आपके पास क्या रहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर रहेगा। अब एक और आपके लिए क्वेश्चन, देखो ये बेंजोइक एसिड है, COOH, इसके ऑर्थो पे OH पोजीशन, OH ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन, ये बेंजोइक एसिड है, इसके मेटा पे OH ग्रुप, ओके, और ये आपके पास COOH ग्रुप है, इसके पैरा पे OH ग्रुप, ओके, मेटा पे, पैरा पे, और ये ऑर्थो, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आपको बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। देखो अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा OH पे, कि जो आपके पास OH है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस एम शो करता है, माइनस आई शो करता है, प्लस आई शो करता है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात करें OH जो है वो आपके पास एक तो शो करता है प्लस एम और एक शो करता है माइनस आई, दोनों इफेक्ट शो करता है ऑर्थो पोजिशन पे होता, यहाँ पे हो तो भी प्लस एम शो करेगा और आपके पास कौन सा शो करेगा, माइनस आई शो करेगा, ठीक है। और अगर आपके पास ये है तो यहाँ पे ये ओनली एंड ओनली क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। कि सर ऐसा कि बिकॉज जब भी आप रेजोनेंस करवाते हो तो रेजोनेंस करवाने पर एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी अपन रेजोनेंस करवाएं तो रेजोनेंस करवाने पर मेटा पोजिशन पर जो एम इफेक्ट है वो हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। मेटा पोजीशन पर जो एम इफेक्ट है वो हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। मेटा पोजीशन पे ओनली आई इफेक्ट एप्लीकेबल और साथ में एच इफेक्ट, ठीक है। तो जो ऑर्डर डिसाइड करेंगे वो कैसे करें, तो वो इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बताते हैं, देखो कि अगर कोई भी बेंजोइक एसिड के केस में अगर कोई भी ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप आ जाए, चाहे वो प्लस एम शो करे, चाहे वो माइनस एम शो करे, चाहे वो प्लस आई शो करे, चाहे वो माइनस आई शो करे, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप आ गया तो वो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अपने को ये नहीं देखना कि वो जो ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, अपने को तो ये देखना है कि जितना बड़ा ग्रुप होएगा वो उतनी ही ज्यादा एसिड की यानी कि बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। कि सर ऐसा होता क्यों है, एक रूल आता है बच्चों, क्या कहते हैं उसको, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। मींस क्या हो गया कि ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप हो, ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप हो
वो बेंजीन रिंग पे अगर COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने से रोकता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करने देता। अब आपको एक बात पता है कि अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल कैसे होगा? तो COOH ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के साथ तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, एक H प्लस आयन को रिमूव करके कार्बोक्सिलेट आयन बना लेगा और आपके पास कौन सा नेचर शो करेगा, एसिडिक। और अब यहाँ पे रेजोनेंस क्या है, पॉसिबल। तो इस इफेक्ट को अपन क्या कहते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। ओके, अब एक बात बताओ कि प्लस एम और माइनस आई दो आपके पास इफेक्ट हैं, ये वाला तो ऑर्थो पे आ गया तो ये तो सबसे ज्यादा होगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। अब बात करें सेकंड और थर्ड में, मैंने कहा प्लस एम इफेक्ट वाला अगर कोई ग्रुप बॉन्डेड है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, कम करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, वो कम करेगा। यानी कि जो थर्ड वाला है वो सबसे कम एसिडिक होगा। अब कौन सा आएगा बीच में आपके पास, सेकंड। कि सर थर्ड वाला भी तो माइनस आई शो करता है, आपकी बात एकदम सही है, थर्ड वाला भी माइनस आई शो करता है, बट जो आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो आई इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो COOH से इस ग्रुप की डिस्टेंस देख लीजिए और COOH से इस ग्रुप की डिस्टेंस देख लीजिए, डिस्टेंस ज्यादा किसकी है तो उसका आई इफेक्ट क्या होगा आपके पास, कम। क्लियर है बात? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ये जो मैंने आपको यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन करी है वो किसकी है, वो ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। इसके किस केस में लगता है, अगर आपके पास बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप कैलकुलेट कर रहे डिटरमाइन कर रहे हो तो। ओके, तो ये आपके पास क्या था कि बेंजोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी प्रेजेंट हो तो उसके एसिडिक कैरेक्टर पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट अपन चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ही देख रहे थे। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर क्यों होते हैं ये भी आपको शायद पता चल गया होगा कि कार्बोक्सिलेट आयन में ये होता है COOH। एसिडिक कैरेक्टर जो होते हैं वो OH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन है कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज होता है तो ये एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है, शो करता है। क्लियर है? आगे चलें, अब समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए। अगर समझ आ गया बच्चों आपको तो जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए, फिर अभी इस क्लास में चैप्टर अपन कंप्लीट कर देते हैं ना। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड रिएक्शन आती है, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसके क्लीवेज के कारण से कौन कौन सी रिएक्शन है उसको अपन चेक कर रहे हैं। ओके, तो आइए देखें सबसे पहले आपके पास कौन सी रिएक्शन आती है। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अब एस्टर का फॉर्मेशन कैसे करते हैं ये सबको पता है, कि सर कैसे करते हैं। मैंने कहा आपने चैप्टर देख रखा होगा अल्कोहल वाला, अल्कोहल में था OH बॉन्ड की क्लीवेज के कारण से रिएक्शन, देखो R C डबल बॉन्ड O OH प्लस H O R, कौन सा बॉन्ड क्लीवेज कर रहे हो, CO बॉन्ड क्लीवेज कर रहे हो, तो ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा। उसमें क्या था OH बॉन्ड क्लीवेज, यहाँ पे क्या करोगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, R C डबल बॉन्ड O R यानी कि एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो कौन से बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन है ये CO बॉन्ड क्लीवेज, किसके रेस्पेक्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में, और OH बॉन्ड क्लीवेज किसके रेस्पेक्ट में, आपके पास अल्कोहल के रेस्पेक्ट में। ओके,
अब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर की जगह अपन क्या करवा देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करवाना, तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास ये एसिड है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, दूसरा मॉलिक्यूल ही आपको किसका लेना है, एसिड का ही लेना है, एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ एसिड का। अब ऐसा नहीं है कि दोनों एसिड है, दोनों में से सी ओ बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन करवा दो, दोनों में से कोई एक एसिड का मॉलिक्यूल जो है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा और दूसरे में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, बिकॉज रिमूवल किसका होगा यहाँ पे, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एच टू ओ जो है वो बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास, एनहाइड्राइड का। ये क्या होता है अपने पास, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, इट इज नोन एज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड अगर ये आर जो है वो सेम हो, सेम एल्काइल ग्रुप हो, तो अपन इसको, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। कब होगा, जब आपके पास R यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों साइड सेम हो, नहीं होता तो फिर इसकी नेमिंग अकॉर्डिंग टू कार्बन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टू कार्बन आ गया, यहाँ पे वन कार्बन आ गया, देन इट इज नोन एज इथेनोइक, सॉरी टू यहाँ पे आ गया तो प्रोपेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड इसकी नेमिंग हो जाएगी। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड हो गया। सेकेंड थर्ड रिएक्शन आती है इसमें, यहाँ पे ए वो था फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, बी कौन सा था फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5, शायद इस टाइप की रिएक्शन आपने कभी कर रखी है कि PCl5 से कैसे रिएक्शन होती है। सर हमने तो नहीं कर रखी, मैंने कहा देखो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे ना तो सब चीजें याद आ जाएगी कि PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है। देखो यहां से ये आपके पास कौन सा बॉन्ड क्लीवेज करवा रहे हो, CO बॉन्ड क्लीवेज करवा रहे हो, करवा रहे कि नहीं करवा रहे, तो किसका फॉर्मेशन होगा, पहले R CO Cl एसिड हैलाइड का। अब क्यों इसको एसिड हैलाइड कहते हैं, बिकॉज इसका फॉर्मेशन किससे होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। प्लस क्या होगा यहाँ पे, एक HCl और प्लस आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, PO Cl3। शायद ये रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो जाना पहचाना हो, कि सर हम किसी बातों को नहीं जानते, किसी को नहीं पहचानते, तो चलो देखो नहीं जानते नहीं पहचानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी PCl5 के साथ, तो किसका फॉर्मेशन हुआ था, RCl का प्लस HCl का और प्लस POCl3 का, हुआ था कि नहीं हुआ, तो वही रिएक्शन है। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, एसिड ये रिएक्शन दे रहा है। एक और रिएक्शन आ जाती है आपके पास, दैट रिएक्शन विद PCl3, PCl3 के साथ आपको रिएक्शन करवाने, तो PCl3 के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो वहां पे जब आपने ये 10th चैप्टर में करा था तो कितने मोल लिए थे आपने, कि सर हमने तो 3 मोल लिए थे RCOOH, तो ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये करेगा PCl3 के साथ, तो PCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, H3PO3 बाहर निकल जाएगा और 3 मोल ऑफ RCOCl का फॉर्मेशन होगा और साथ में क्या मिलेगा, H3PO3। दैट्स इट, तो ये आपके पास किसके साथ रिएक्शन होगी, PCl3 के साथ। फर्स्ट कौन सी थी, PCl5 के साथ, सेकंड कौन सी थी, PCl3 के साथ, और एक और रिएक्शन है शायद आपको दिमाग में आए कि अपन ने वहां पे यानी कि जो अपन 10th चैप्टर कर रहे थे तो वहां पे एक रिएक्शन करी थी, कौन सी, डार्जन रिएक्शन, याद आया कुछ, डार्जन नेम रिएक्शन है, कभी नहीं भूल सकते। वहां क्या था कि अपन अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे थे, SOCl2 के साथ आयोनिल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे एसिड की रिएक्शन करवा रहे RCOOH और प्लस आपके पास क्या आ गया, SOCl2, किसका फॉर्मेशन होगा, एसिड हैलाइड का RCOCl प्लस किसका फॉर्मेशन होगा, SO2 का और प्लस किसका फॉर्मेशन होगा, HCl। ये आपके पास एसिड हैलाइड के फॉर्मेशन के तीन मेथड आ गए अपने पास।
कौन कौन सा, फ्रॉम पीसीएल 5, फ्रॉम पीसीएल 3 एंड फ्रॉम एसओसीएल 2. व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद पीसीएल 5 और पीसीएल 3 और एसओसीएल 2 मींस थायोनाइल क्लोराइड, देन इट गिव्स एसिड हैलाइड. ओके, तो ये आपके पास थर्ड रिएक्शन थी, किसकी रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड. फोर्थ देखते हैं, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया. अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है. सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत इजी. CH3COOH प्लस किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो आप, अमोनिया के साथ. तो देखो अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का ये क्या है कि सर ये हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है कि सर प्लस चार्ज होता है. मैंने कहा बहुत अच्छे बच्चे. नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट होता है कि सर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो नाइट्रोजन की टेंडेंसी क्या होगी कि सर नाइट्रोजन की तो टेंडेंसी होगी कि ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, डोनेट करे. किसको करेगा, एच प्लस. ओके सर क्यों करेगा, बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो किससे बॉन्डेड है कि सर वो तो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है. किससे बॉन्डेड है आपके पास, ऑक्सीजन से बॉन्डेड है. तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कि हाइड्रोजन की, कि सर ऑक्सीजन की. तो नेगेटिव चार्ज किस पे रहेगा कि सर नेगेटिव चार्ज किस पे रहेगा, ऑक्सीजन पे रहेगा. तो यहाँ क्या बनेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O NH4, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव. सर ये रिएक्शन सीओ बॉन्ड क्लीवेज की कहाँ हुई, मैंने कहा बस अभी देखो ये यहां से बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो आपको क्या मिलेगा, CH3CO NH2 amide मिलेगा और प्लस क्या होगा आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव. अमाइड मिलेगा CH3CO NH2 और प्लस क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा. अगर ये आपको बेंजेमाइड बनाना हो तो भी बना सकते हैं कि सर कैसे, मैंने कहा बेंजीन ले लो, बेंजेनोइक एसिड ले लो या बेंजोइक एसिड ले लो. ये अपन ने बेंजोइक एसिड ले लिया, इसकी रिएक्शन अपन ने अमोनिया के साथ करवा दी. तो अमोनिया के साथ करवाने पे अपने को क्या मिला, अपने को मिला ये वाला प्रोडक्ट CONH2. बेंजेमाइड का क्या हो गया आपके पास, फॉर्मेशन हो गया. थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप. इसके क्या केमिकल रिएक्शन है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप. तो देखो क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी हायर कंपाउंड से लोअर कंपाउंड का फॉर्मेशन करना हो तो उसका हमेशा क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं. अब वो रिडक्शन आप किसकी प्रेजेंस में कर रहे हो उस पर डिपेंड करते हैं. रिएक्शन में अगर मान लीजिए कि आप RCOOH का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा रहे हो तो किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल. एक रिडक्शन मैंने भी आपको बताया था कि RCOOH की रिएक्शन आप HI से करवा दो, 6 moles of HI के साथ करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो भी किसका फॉर्मेशन होगा आपके पास, एल्केन का. प्लस क्या होगा आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और प्लस आपके पास आयोडीन जो है वो बाहर निकल जाएगा. तो आप कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोडक्ट कौन सा बनेगा. अगर आप रेड फॉस्फोरस प्लस 6 HI करते हो तो वो क्या मिलेगा आपको, एल्केन. और अगर LiAlH4 से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का. अब एल्केन के मेथड ऑफ फॉर्मेशन में या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप की
एक रिएक्शन और है, वो कौन सी रिएक्शन है वो देखते हैं। वो रिएक्शन है अपने पास कोलबे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कोलबे रिएक्शन। सर क्या होता है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों की सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और उस इलेक्ट्रोलाइसिस से किसका फॉर्मेशन होता है? एल्केन। सर कैसे होते हैं रिएक्शन? तो देखो 2RCOONa+H2O इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये रिएक्शन करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? एल्केन का, प्लस आपके पास 2 moles ऑफ CO2 का, प्लस आपके पास 2 moles ऑफ NaOH का, और प्लस आपके पास H2 गैस जो है वो इवॉल्व होगा। इस रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? कोलबे रिएक्शन। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसकी मैकेनिज्म, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में करवा रहे हो तो क्या होगा आपके पास? इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा? एल्केन का। नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी जो है वो मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग 3 to 4 रिएक्शन रहती है उसको कंप्लीट करके जो चैप्टर है आपका वो बाइंड कर देंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।